हेलो माय फूडीज, वेलकम बैक टू नीतू की रेसिपीज़। पता नहीं क्यों ये रेसिपी बार बार खाने को मन करता है, मगर ये टेस्टी भी बहुत है और इजी भी। सो लेट्स ट्राई दिस रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए 6 ब्रेड और उसे हम बीच में से काट लेंगे और उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे हम। जैसे कि आप सब जानते हैं, ब्रेड से रिलेटेड हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो वो बहुत टेस्टी होती है और बहुत झटपट भी बन जाती है। और ज़्यादातर ब्रेड रेसिपीज़ हम ब्रेकफास्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो अब हमने ब्रेड के पीसेस को एक जार में डाल दिया है और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। इसके साथ हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़, टमाटो केचप, रेड चिली सॉस, इसके बाद आपको अच्छे से ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अनियन, कैप्सिकम, चीज़ और कॉर्नफ्लोर। हम इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहे तो चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करके और इसमें थोड़ा सा केचप और मिक्स करेंगे, ताकि हम जब इसे मिक्स करें तो इसका डो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। हमारा डो प्रिपेयर हो चुका है। अब हम इसे प्लेटफॉर्म पे, याद रखें आप इसे प्लेटफॉर्म पे करें क्योंकि आपके चलगोटे पे इसका पूरा बेस नहीं बन पाएगा। तो मैंने इसे अच्छे से हाथ से बेलन से स्प्रेड कर लिया है और इसे स्क्वायर शेप देके अब मैं इसे कट करूँगी। आप चाहे तो किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। तो शेप देने के बाद जब आप इसे निकालेंगे तो इस तरीके से आपको इन्हें उल्टा रखना है ताकि ये चिपके नहीं। ये मैंने सारे निकाल लिए हैं। अब हम इसे पैन में एक घी डालेंगे, अच्छे से स्प्रेड करेंगे और फिर इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। याद रखें फ्रेंड्स, आप इसे एकदम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये जले नहीं। और मीडियम फ्लेम पे आप इसे फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से क्रिस्पी और अंदर से अच्छे से पक जाएंगे। आपको लगे कि घी कम है और नीचे चिपक रहे हैं ब्रेड के पीसेस, तो आप थोड़ा घी स्प्रेड करके इन्हें फ्राई कर सकते हैं। हमारे ब्रेड के पीसेस रेडी हैं, अच्छे से पक चुके हैं वो। हम इन्हें एक प्लेट में ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी रेडी है। आप सब भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी। फॉर मोर रेसिपीज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब नीतू की रेसिपीज़। थैंक यू।